एमआरआई सेंटर खोला, भोपाल का पहला एमआरआई था। अलग तरह से काम करने का नजरिया और एडवेंचरस अप्रोच से 3 साल के अंदर भोपाल में 5 CT स्कैन लगे और मध्य प्रदेश में 10 CT स्कैन लगे। आज 25 साल में 200 के करीब कॉलेज और 6 यूनिवर्सिटी की स्थापना ऑलरेडी हो चुकी है। 4 और यूनिवर्सिटी तैयारी में है। इस सब के पीछे ताकत वो प्रैक्टिस थी, वो शक्ति थी, पहली बार जब मैं कन्वोकेशन में गया अपनी डिग्री लेने के लिए सिर पे कैप पहन के, एक अलग तरह का अनुभव होता था। ऐसा लगता था कि अब दुनिया मिल गई। आज भी मुझे ये बच्चे जो कैप पहन के नजर आ रहे हैं बहुत ही देखने में अच्छा लग रहा है। व्हाइट कोट सेरेमनी डॉक्टर आर्नोल्ड ने 1913 में स्टार्ट की, वो भी एक अलग तरह का अनुभव है। जब हॉस्पिटल में आप व्हाइट कोट पहने हुए डॉक्टर को देखते हो, आपके आंखों में एक सम्मान की भावना आ जाती है कि ये है डॉक्टर है, ये मेरे परिवार को ठीक करने के लिए आया है। ये सम्मान आज आप सबको अनुभव होने वाला है। प्रैक्टिस करते वक्त कई बार ऐसा होता था पेशेंट का डायग्नोस कई बार पता नहीं चलता था, फिर आदमी ऊपर वाले से प्रार्थना करता है कि मेरा जो डायग्नोस है वो ठीक हो और पेशेंट मेरा ठीक हो जाए। पेशेंट रोज देखने पर भी कभी थकावट महसूस नहीं होती थी। अगले दिन सुबह 7 बजे फिर लाइन में लोगों ने लगे होना, वो सब मैं अब आप में देखना चाहता हूं। आप लोग सब पीजी करो, आईएएस आईपीएस की तैयारी करो, प्रैक्टिस शुरू करो। ये सारी ब्लेसिंग आप सबके साथ है। मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है, एक बार मैं न्यूयॉर्क उतरा, एक लंबा चौड़ा सा आदमी मेरे नजदीक आ रहा था, मेरी बिटिया साथ में थी, तो मैं थोड़ा घबरा गया कि आदमी मेरी तरफ क्यों आ रहा है। बड़ी तेजी से मेरी तरफ आया, सैर हुए उसने, उसने कहा आपने पहचाना नहीं, मैं आपका 94 बैच का समीर अंसारी नाम का स्टूडेंट हूं, आजकल मैं अमेरिका में सेटल्ड हूं, हांगकांग में भी मैं, मेरे पास सेकंड जॉब वहां भी करता हूं। बड़ा फख्र महसूस हुआ। 1 लाख से ऊपर स्टूडेंट इस कैंपस में हर वक्त होते हैं और 30,000 स्टूडेंट हर साल पास होते हैं। 25 साल में लाखों स्टूडेंट अलग अलग सब्जेक्ट में डिग्री लेके अपने कैरियर को बना चुके हैं। आज भी जब आपको डिग्री मिलेगी, आप पीजी करेंगे, सर्विसेज की तैयारी करेंगे या प्रैक्टिस करेंगे,
पहली बार जब मैं मध्य प्रदेश में आया तो मध्य प्रदेश का नाम नहीं सुना था। मध्य प्रदेश के बारे में मुझे इतनी ही पता था कि वहां चंबल के डाकू होते हैं और ऐसा ही प्रदेश। एक अनजान शहर में आके प्रैक्टिस शुरू की। मध्य प्रदेश वासियों ने बहुत इज्जत दी, बहुत रिस्पेक्ट दी। और हम सबको अपनाया। आप भी अलग अलग प्रदेश में जाओगे, कहीं पीजी करोगे, सर्जरी करोगे। एक और खुशी की खबर मैं देना चाहता हूं। इस 14 फरवरी को 300 बेड का अल्ट्रा मॉडर्न पहला ऑर्गन ट्रांसप्लांट हॉस्पिटल भोपाल में हम शुरू करने जा रहे हैं। उसका भूमि पूजन किया है। उसमें लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, आई ट्रांसप्लांट, ज्वाइंट रिप्लेसमेंट और सभी तरह की वो फैसिलिटी जो मध्य प्रदेश में के किसी हॉस्पिटल में नहीं है वो सब शुरू की जाएगी। आप सब लोग उसमें होंगे। एक और चीज का उस दिन स्टार्ट किया, त्रिपुरा में 7वीं यूनिवर्सिटी आरकेडीएफ ग्रुप की शुरू करने जा रहे हैं, उसका उद्घाटन उस दिन किया। मुझे ये बोलने का मौका दोबारा देंगे जब चीफ गेस्ट और सब आ जाएंगे। मैं डॉक्टर हितेश वाजपेयी से रिक्वेस्ट करूंगा, सर्जन है वो, 90s में पास आउट हैं, वो आए और कुछ विचार रखें कि एज ए डॉक्टर हम लोगों को कैसे रहना है, एज ए एंटरप्रेन्योर कैसे बिहेव करना है और कैसे शक्तिशाली बनना है। शुक्रिया। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कपूर साहब। और आज सभी इस सभागृह में मौजूद नए छात्र, पुराने जो डिग्री लेकर आगे बढ़ेंगे, उनकी फैकल्टीज, टीचर्स, ट्रेनर्स और इस पूरे संस्थान को ताकत देने वाले सभी लोग और उनके पेरेंट्स, माता पिता, जब इस समारोह की तैयारी हो रही थी तो हम लोग ऐसे ही बैठ के चर्चा कर रहे थे तो हमने एक सूत्र उस समय इवॉल्व किया था कि पहले तो हमारे पिछले करीब 10 महीने बहुत संकट में निकले। कोरोना का जो ये काल था लास्ट ईयर, कोविड का जो ये पूरा 10 महीने निकले, उस सब में हमने जीवन की वो सब चुनौतियां देखी जिसके बारे में हमने कभी कुछ सोचा नहीं था। और उन चुनौतियों में से ही एक चुनौती थी कि हमारे देश की जो उत्सव धर्मिता है, जो एक सेरिमोनियस एटीट्यूड हम लोगों का रहा है हमेशा, जन्म से लेकर मृत्यु तक हमने हर अवसर को एक उत्सव के रूप में, सामाजिक रूप में, कलेक्टिव रूप में हमने इसको महसूस किया है, वो उत्सव धर्मिता पर सबसे पहले बैन लगा। और उसके पश्चात मुझे लगता है आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका ये पहला सामूहिक कार्यक्रम होगा। और अभी हम लोग ऐसे ही बातचीत कर रहे थे तो डॉक्टर प्रभाकर तिवारी, जो हमारे भोपाल के CMHO हैं, मेरे साथी हैं, तो
तो मैं इनसे यही बोल रहा था कि कुछ आपको शेयर करना चाहिए तब तक कि ये जो 10 महीने निकले ये किस प्रकार से एज ए डॉक्टर एज ए सीएमएचओ आपने कोविड के इस काल को मैनेज किया एज ए टीम लीडर। तो वो यही बोल रहे थे यार अब क्या कहें, तो ये शब्द क्यों निकलता है कि अब क्या कहें, क्योंकि जो एक चिकित्सक होता है डॉक्टर जो होता है वो काम के दबाव में इतना ज्यादा धीरे धीरे आता जाता है कि उसको पता ही नहीं होता है कि वो क्या करता है। और इसीलिए कभी कभी ये सोचना बहुत जरूरी होता है कि व्हाट इज द लाइफ ऑफ ए डॉक्टर और आप समाज के लिए देश के लिए कितने उपयोगी हो सकते हैं। मुझे लगता है पूरे विश्व में ये कालखंड जो एक साल का रहा है ये सबको याद दिलाएगा। एज ए प्रोफेशनल हम लोगों को तो काम करना ही था, इसमें कोई दो मत नहीं है। एज ए डॉक्टर आप लोगों को इस महामारी से लड़ना ही था, इसमें भी कोई दो मत नहीं है। लेकिन साथ ही साथ इस काम को करते हुए जो जज्बा हमने हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का देखा है वो शायद मुझे लगता है व्यावसायिक दृष्टिकोण से बहुत आगे जाकर करने का लोगों ने प्रयास किया है। आप सभी लोग भी उस पूरी प्रक्रिया में अब शामिल होने जा रहे हैं, जो यहाँ के पास आउट हैं वो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनेंगे। समाज देश और विश्व आपकी ओर बड़ी आशा से देख रहा है क्योंकि इस दौरान उन्होंने आपकी अहमियत को समझा है। तो मुझे लगता है कि अपने इम्पोर्टेंस को कभी डाइल्यूट करके नहीं देखना। पैसा तो सब लोग कमा लेते हैं, डॉक्टर कपूर भी अपने आप में एक बहुत अच्छे प्रैक्टिशनर रहे हैं, भाभी जी भी आ गई हैं वो भी बहुत अच्छी प्रैक्टिशनर रही हैं, साथ में हमने इन दोनों को बहुत इफरात पैसा कमाते देखा है। लेकिन उसके बाद अपनी इस पोटेंशियल को लोगों को समर्पित करना, भाई एक डॉक्टर अपनी ओपीडी से फायदा देता है, अपने ओटी से फायदा देता है पर डे, उसकी एक कैपेसिटी है। लेकिन जब एक डॉक्टर आप सोचिए मेडिकल कॉलेजेस बनाता है एंड देन ही स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉक्टर्स इटसेल्फ, जो कि आगे चल के हजारों मरीजों को एक एक व्यक्ति रोज देखेगा, तो आप समझ सकते हैं कि उसकी प्रोडक्टिविटी का लेवल क्या होगा। तो बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो इस बात को देते हैं, जो प्रधानमंत्री जी भी कई बार बोलते हैं, दो बातें वो बहुत बोलते हैं, एक आत्मनिर्भर भारत की कल्पना। तो मुझे लगता है जो व्यावसायिक डिग्रियां होती हैं खासतौर से जो मेडिकल प्रोफेशन होता है उसमें सबसे बड़ी संतुष्टि इसी बात की होती है कि हम आत्मनिर्भर होते हैं, भाई हमसे कोई क्या छीन लेगा। आज जो यूनिवर्सिटी आपको डिग्री देगी कोई छीन सकता है क्या, वो आपकी मेहनत से कमाई हुई एक उपलब्धि है जिसके आधार पर आप हमेशा अपनी आजीविका चला सकते हैं। दैट इज द मिनिमम बॉटम लाइन ऑफ योर लाइफ नाउ। तो मुझे लगता है ये अवसर यदि ये यूनिवर्सिटी या कपूर साहब और उनके परिवार ने आप लोगों को अवसर दिया है तो ये अपने आप में बहुत रिमार्केबल है। और इसी दृष्टिकोण के साथ तो मैं लोगों के छात्रों के लिए कहना चाहूंगा, हालांकि इतना खुशी का पल है कि इस समय ज्यादा सलाम की जरूरत नहीं होती है, लेकिन एज ए डॉक्टर मुझे लगता है कि पहली चीज पढ़ाई खूब करें, कोई भी व्यक्ति पढ़ना ना छोड़े, मतलब कसम खा लें कि एक दो घंटे हमको पढ़ना है हमेशा, क्योंकि आपके प्रोफेशन का आधार आपकी लिटरेसी है कि आप कितना लिटरेट रहते हैं मेडिकल साइंसेस के बारे में, अपडेटेड रहते हैं, ये बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है कि इसके लिए सबसे साधारण तरीका है कि दिन भर में कोई भी टर्मिनोलॉजी ऐसी आती है जिसमें हमको अंदर मन में लगता है कि नहीं यार इसके बारे में मुझे कम जानकारी है, तो आजकल तो बहुत आसान है, हम इंटरनेट के माध्यम से उसका बेसिक लिटरेचर तो पढ़ सकते हैं, उसका परिचय प्राप्त कर सकते हैं, तो इसमें कभी संकोच नहीं करना। तो पहली चीज है पढ़ाई, और दूसरी बात बहुत महत्वपूर्ण है कि जब भी आप प्रिस्क्रिप्शन लिखें या मरीज को देखें तो आपका उद्देश्य यह होना चाहिए कि उसका भला हो। आपका तो भला हो ही, लेकिन यदि उद्देश्य उसका भला होने में आपने रखा तो मान के चलिए कि ना सरस्वती आपको छोड़ेंगी ना लक्ष्मी जी आपको छोड़ने वाली है। और आप सब में मैं कपूर साहब का एक एक अंश देखूंगा आगे चलकर, ऐसी उम्मीद करता हूं। तो हमेशा ध्यान रखिए जैसे ही आपके मन में ये भावना है कि इस अवसर के माध्यम से अपने जीवन में मैं जो भी मरीज मेरे सामने आएगा मैं चाहूंगा कि उसका भला हो,
मेरे ज्ञान के आधार पर उसका भला हो, मेरी प्रैक्टिस के आधार पर उसका भला हो, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रहेगा और आप आत्मनिर्भर भी बनेंगे। दूसरी बात जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं बहुत महत्वपूर्ण है कि एज ए डॉक्टर, चूंकि अब आप आत्मनिर्भर हो गए, तो इसके बाद अब आपका दूसरा कर्तव्य है कि आप लोगों को अवसर प्रदाय करने वाले बने। तो मुझे लगता है ये सेकंड फेज ऑफ लाइफ है आपके प्रोफेशनल लाइफ की, जिसकी तरफ हमको बढ़ना चाहिए कि हम तो आत्मनिर्भर हो गए, अपने पैरों पे खड़े हो गए, क्या हम और लोगों को भी ये अवसर दे सकते हैं? तो बिल्कुल दे सकते हैं। यदि आप एक इंडिविजुअल क्लिनिक चलाते हैं तो आपके सहायक के रूप में, सहयोगी के रूप में 2-4 लोगों को रोजगार मिलता है। वहां से शुरुआत करके आप सोचिए, आप एक ऐसे संस्थान बन सकते हैं जहां पर आज 5,500 लोगों के, हम कह सकते हैं, घर के चूल्हे जलते हैं। तो मुझे लगता है आपकी यात्रा अनंत है और आज पहला पायदान उन बच्चों ने जरूर प्राप्त कर लिया है कॉन्वोकेशन डे के माध्यम से, कि वे स्वयं आत्मनिर्भर बने हैं और इसके आधार पर वो अपना जीवन जिएंगे। और दूसरा पायदान की तरफ आप बढ़ेंगे कि जब आप स्वयं आत्मनिर्भर हो गए हैं तो आप समाज के ऐसे कौन से लोग हैं जिनकी आप मदद कर सकते हैं, जिनके घर भी चूल्हे जलते रहे जिंदगी भर। लोग केवल सरकारी नौकरियों के भरोसे या सरकारी प्रयास के भरोसे ये देश न बने। तो ये दो बातें मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण है, जिसकी तरफ ध्यान देकर आप लोग उसका हिस्सा भी बन सकते हैं। और आज के इसी अवसर पर बहुत ज्यादा कहने का तो मुझे नहीं लगता समय है, हमें लगता है कि हम इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए एक शुरुआत करेंगे और एक मजबूत भविष्य की ओर और उज्जवल भविष्य की ओर न केवल स्वयं जाएंगे बल्कि आप ही देश की कार्मिक इकाई हैं। 135 करोड़ से देश बनता है तो उस 135 करोड़ का एक हिस्सा यहाँ मौजूद है। तो यदि ये हिस्सा सक्षम होगा, सतर्क होगा, सजग होगा, सफल होगा, उज्जवल होगा, तो देश भी उज्जवल होगा, मजबूत होगा, जो हमने इस कोविड काल के दौरान भी दुनिया को दिखाया है कि भारत आज भी बहुत मजबूत है, भारत आज भी भविष्य का एक बड़ा देश है, अपेक्षाओं से भरा देश है, अवसरों से भरा देश है और आप सभी लोग उसका हिस्सा बनने जा रहे हैं। मेरी ओर से बहुत बहुत आप सभी लोगों को शुभकामनाएं और डॉक्टर कपूर साहब को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे कि ऐसे प्रकल्प आप देश को देते चले जाएं, तो देश हमें देता है कुछ, बहुत कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। इस भाव के साथ जो आपकी यात्रा है वो और आगे बढ़े, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा मैंने आप लोगों से थोड़ा सा अनुरोध किया था कि हमारे बीच हमारे CMHO जो भोपाल के चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर हैं, उनका ये कोविड का कार्यकाल बहुत महत्वपूर्ण रहा है, तो मैं डॉक्टर प्रभाकर तिवारी से भी मैं सादर अनुरोध करूंगा कि वे आए, अपने अनुभवों को भी शेयर करें और आने वाली पीढ़ी को वे इन अनुभवों के आधार पर कोई सूत्र दे सकते हैं तो बड़ी कृपा होगी। डॉक्टर प्रभाकर तिवारी, प्लीज।